तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्यून मूवी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में मोटी मोटी बातें बता देता हूँ ताकि आपको ये मूवी समझने में अपने दिमाग का ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। ड्यून यूनिवर्स की शुरुआत फ्रैंक हर्बर्ट ने अपने नोवेल के द्वारा की थी। इस नोवेल की पहली कॉपी 1965 में पारित हुई थी और टोटल अभी तक ऐसे 6 नोवेल पब्लिश हो चुके हैं। ड्यून मूवी का पहला पार्ट पहले नोवेल पर आधारित है। 1984 में डेविड लिंच ने इस मूवी को बनाने की नाकाम कोशिश की थी। इस कोशिश में वो बहुत बुरी तरह से असफल हुए थे। फैक्ट ये थे कि उस समय इतने आधुनिक इक्विपमेंट नहीं थे कि वो ड्यून जैसे बड़े यूनिवर्स को पर्दे पर फिल्मा सके। लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर का मानना है कि 1984 में रिलीज हुई ड्यून मूवी के नाकाम होने के पीछे रचनात्मक मतभेद है। मतलब कि आप ऐसा मान सकते हो कि उस समय के प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस ने डेविड लिंच को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की आजादी नहीं दी थी। इसका एक जीता जाता उदाहरण है जस्टिस लीग स्नाइडर कट। डायरेक्टर कुछ और बनाना चाहते थे लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने बीच में अपनी नाक घुसेड़ कर कुछ और बना दिया। और अब हम बात करते हैं ड्यून के बारे में। ड्यून आखिरकार है क्या? ड्यून एक रेगिस्तानी प्लैनेट का नाम है और इस यूनिवर्स में उसे अराकिस नाम से बुलाया जाता है। ये प्लैनेट स्पाइस नाम के ईंधन और ड्रग्स का इकलौता ओरिजिनल सोर्स है। स्पाइस एक ऐसा पदार्थ है जिसे आप ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करो तो आप लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप उसे ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करो तो आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाएंगी। सुपर पावर लाइक तेज दिमाग, फ्यूचर प्रिडिक्शन, ज्यादा उम्र और शरीर में बल। स्पाइस जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही एडिक्टिव है। एक बार इसकी आदत लग जाए तो इसको छोड़ना मुश्किल है। स्पाइस का नशा करने वाले नशेड़ियों की आंखें ब्लू हो जाती है। और इतना ही नहीं, आप स्पाइस के इस्तेमाल से न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हो। और सिर्फ यही कारण है कि इनके यूनिवर्स में ड्यून प्लैनेट इतना इम्पोर्टेंट है। तो कहानी स्टार्ट होती है और ये कहानी हमारे आज के समय से फ्यूचर में बहुत आगे की है। इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है और वो इस यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट पर जाकर बस गया है। इन प्लैनेट्स पर अलग अलग राज घराने हैं जो कि किसी एम्परर की तरह इन प्लैनेट्स पर रूल करते हैं, जो कि एक बड़े राज घराने को रिपोर्ट करते हैं जिसका नाम है कोरिनो एम्पायर। और यहाँ के लोग इसे अराकिस नाम से जानते हैं। आसान शब्दों में कहे तो कोरिनो एम्पायर पूरी गैलेक्सी पर रूल करता है और इसके एम्परर के पास सर डोकर नाम की एक बहुत बड़ी आर्मी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अराकिस के लोग, जिन्हें फ्रेमैन भी कहा जाता है, स्पाइस को बहुत पवित्र मानते हैं और इसके रेगुलर यूज की वजह से यहाँ के नशेड़ियों की आंखें नीली हो गई है। और अब हमें फ्रेमैन की एक लड़की जिसका नाम चैनी है, वो हमें बताती है कि किस तरह आउटसाइडर्स इनकी जमीन से स्पाइस को हार्वेस्ट कर रहे हैं। और इन आउटसाइडर्स को डायरेक्शन देता है रेबिन, जो कि इनका लीडर है, और ये हार्कोनेन राजघराने को रिपोर्ट करता है। फ्रेमैन इन लोगों को अपने प्लैनेट से भगाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनके आधुनिक हथियारों के सामने नहीं टिक पाते। फिर अचानक एक दिन एम्परर के ऑर्डर पर ये लोग उनके प्लैनेट को छोड़ देते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया। और अब मूवी शिफ्ट होती है कैलेडन नाम के प्लैनेट पर, जिस पर रूल करता है एट्रिडस नाम का राजघराना। और यहाँ हम एक लड़के पॉल और उसकी माँ जेसिका से मिलते हैं, जो कि एक विच है और इसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, जिनमें से वो एक पावर का इस्तेमाल करना पॉल को सिखा रही है। पॉल अपनी माँ जेसिका से बताता है कि उसको एक जैसे सपने बार बार आ रहे हैं, जिसमें वो एक नीली आंखों वाली लड़की को देखता है जो कि हकीकत में चेनी है। और एक दिन एम्परर का राजदूत इनके प्लेनेट पर आता है और वो लेटो को बताते हैं। लेटो और कोई नहीं बल्कि पॉल के फादर हैं, जो कि इस प्लेनेट पर रूल करते हैं, कि कैसे उसे अब एम्परर के ऑर्डर पर अराकिस से स्पाइस को माइन करना है। लेटो के एडवाइजर्स को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है लेकिन वो फिर भी एम्परर के ऑर्डर पर सील लगाकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद पॉल अपने पिता के सुरक्षा सलाहकार डंकन से मिलता है, जो कि सबसे पहले अराकिस जाकर वहाँ की व्यवस्था करने वाला है, यानी कि वहाँ की अरेंजमेंट करने वाला है। पॉल उससे बताता है कि कैसे उसने अपने सपने में उसको मरते हुए देखा है और उसे सावधानी बरतने के लिए कहता है। डंकन उसकी बात को काफी लाइटली लेता है। अब पॉल जाकर अपने पिता से मिलते हैं। उसके पिता उससे बताते हैं कि कैसे एम्परर उन्हें अराकिस भेजकर आर्केनेन से लड़ाना चाहते हैं, जिससे इनका हाउस कमजोर हो जाएगा। आर्केनेंस वही लोग हैं जिनके कमांडर रेबन हैं।
पोल अपने पिता से कहता है कि वो फ्रेमैन से दोस्ती करना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद कर सके, इसीलिए उसने डंकन को पहले भेजा है। फ्रेमैन अराकिस के मूल निवासी है और चैनी भी यहीं से बिलोंग करती है। इसके बाद पोल गर्नी से लड़ने की ट्रेनिंग लेता है और यहाँ हम देखते हैं कि एक दूसरे को चोट ना लगे, इसीलिए ये एक एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। गर्नी पोल के पिता के युद्ध रणनीति के शिक्षक हैं। और अब ये कहानी शिफ्ट होती है जेडी प्राइम नाम के प्लेनेट पर, जिस पर हार्कोनेंस रूल कर रहे होते हैं। यहाँ पर रेबिन लेटो को यानी कि पोल के पिता को अराकिस मिलने से बहुत ज्यादा परेशान है और रेबिन का लीडर उसे समझाता है कि ये सब उनके फायदे के लिए हो रहा है। इसके बाद हम पोल को देखते हैं जहाँ पर उससे हिलन मिलने आती है, क्योंकि उसे किसी तरह से पोल के सपनों के बारे में पता चल गया था। अब हमें हिलन के यहाँ पर आने का मकसद पता चलता है। वो यहाँ पर पोल का टेस्ट लेने आई थी क्योंकि उसे लगता था कि पोल ही वो मसीहा है जिसके बारे में पूरा यूनिवर्स बात कर रहा है। जाते वक्त हिलन उसकी मोम को बताती है कि अगर ये बात सच है तो पोल के ऊपर बहुत बड़े समस्याओं का पहाड़ टूटने वाला है, और वहाँ खड़ा पोल ये सारी बातें सुन लेता है। और अब उसकी मोम जैसिका उससे बताती है कि किस तरह ये मसीहा पूरे यूनिवर्स में दुष्ट लोगों को खत्म करके शांति ला सकता है। इसके बाद हम इन्हें अराकिस जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं और जल्द ही इनका जहाज वहां पहुंच जाता है। पोल वहां देखता है कि लाखों लोग उसे मसीहा समझकर वहां देखने आए हैं। पोल की मोम जैसिका को लगता है कि ये खबर शायद हिलन ने ही फैलाई है। जल्द ही ये लोग नई सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लेटो स्पाइस की माइनिंग को दोबारा शुरू करने का ऑर्डर देता है। यहाँ पर पोल को पता चलता है कि इस रेगिस्तानी प्लेनेट पर कुछ बहुत बड़े सैंडवॉर्म्स भी रहते हैं जो कि ध्वनि सुनकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फ्रेमैन इनसे बचने के लिए एक ऐसे पैटर्न में चलते हैं जिससे डेजर्ट का नेचुरल साउंड निकलता है। आगे हम देखते हैं कि कोई पोल को हंटर बग्स की मदद से मारने की कोशिश करता है और पता चलता है कि ये हार्कोनेन का आदमी था जिसे उन्होंने बहुत पहले ही दीवार में छुपा दिया था। हार्कोनेन वही लोग हैं जो पहले यहाँ पर इलीगल स्पाइस की माइनिंग किया करते थे। इधर हिलन एक शक्तिशाली उद्योगपति के पास पहुँचती है जिसे वो लोग बैरन कहते हैं। वो उनसे उन पर हमला करने के लिए कहती है कि इस काम में एम्परर की आर्मी तुम्हारी मदद करेगी। वो उसे साफ साफ हिदायत देती है और कहती है कि जैसिका और उसका बेटा पोल उनकी प्रोटेक्शन में है, इसीलिए वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। परंतु बैरन अपने एडवाइजर को उन्हें भी खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। उधर डंकन वापस आकर कहता है कि यहाँ पर उनकी सोच से भी ज्यादा फ्रेमैन रहते हैं, और कहता है कि इन्हीं में से एक कबीले के लीडर स्टीलगर को वो अपने साथ लाया है। लेटो जो कि पोल के पिता हैं, वो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और कहता है कि पहले के जैसे कोई भी अब तुम पर अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन स्टीलगर उन्हें हिदायत देते हुए कहता है कि वो अपना काम खत्म करके जल्दी से वहां से जाने को कहता है। डंकन पोल को गिफ्ट देता है जो उसे फ्रेमैन से मिला है, जैसे कि एक कंपास, सैंड कॉम्पैक्टर और स्टील सूट, जिनके बिना रेगिस्तान में जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीटो माइनिंग बंदोबस्त देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जो यहाँ पर पहले माइनिंग कर रहे थे वो मशीनों को बहुत बुरी हालत में छोड़कर गए हैं। वो तुरंत एम्परर की अपॉइंट की हुई मीडिएटर काइंस को बुलाते हैं जो कि खुद भी एक फ्रेमैन है। वो लेटो को और उसकी टीम को एक ऐसा स्टील सूट देती है और बताती है कि इस सूट में ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो शरीर से निकले गंदे पानी को वापस पीने लायक बना देता है ताकि रेगिस्तान में लोग मुसीबत पड़ने पर अपनी जान बचा सके। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा तंगी है। ये लोग पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने देते, यहाँ तक कि ये लोग शरीर के पसीने को भी वापस पीने के लायक बना लेते हैं। अब ये लोग एक प्लेन की सहायता से फील्ड में जाते हैं जहाँ पर एक मशीन स्पाइस की माइनिंग कर रही है। काइंस उन्हें एक ड्रोन दिखाते हुए कहती है कि ये वॉर्म को सपोर्ट करने में मदद करते हैं ताकि ये लोग उनके अटैक करने से पहले अपनी मशीन को यहाँ से निकाल सके। और जब ये निगरानी कर रहे थे तभी इनकी नजर एक वॉर्म पर पड़ती है जो कि सीधा इनकी मशीन की तरफ आगे बढ़ रहा है।
वो तुरंत एक्शन लेकर एक कैरी मशीन को बुलाते हैं, लेकिन उसका एक एंकर प्रॉपरली पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता। इसी वजह से वो माइनिंग कर रही मशीन को वहां से नहीं निकाल पाता। लीटो सडनली एक फैसला लेते हुए अपने कॉप्टर को नीचे उतारता है ताकि वो वहां पर मशीन में फंसे हुए लोगों को इवैक्यूएट कर सके। पोल भी इस काम में मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसको कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसकी वजह से उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। गर्नी उसको वहां से निकालता है और वापस कॉप्टर में लाता है। इसके बाद ये पहली बार उस वॉर्म को देखते हैं जिसका शरीर इतना विशालकाय है कि वो देखते ही देखते पूरी की पूरी माइनिंग मशीन को निगल जाता है। लिटो काइन को मशीन्स की हालत दिखाता है और कहता है कि जल्द ही उन्होंने अगर स्पाइस की प्रोटेक्शन की प्रोसेस शुरू नहीं की तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। काइन कहती है कि वो उसकी इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकती। आगे हम देखते हैं कि एक डॉक्टर पोल का चेकअप करता है, कहता है कि स्पाइस के अंदर जाने से शायद इसे कोई एलर्जी हो गई है। और एक बार फिर पोल अपनी मदर जेसिका को बताता है कि उसने फिर से उस नीली आंख वाली लड़की को देखा जो कि उसे मारने की कोशिश कर रही थी, और उसे वहां पर एक क्रिस नाइफ भी दिखा जिसे फ्रेमैन एक पवित्र हथियार मानते हैं। विजन्स में वो अपनी माँ के दूसरे बच्चे को भी देखता है जो कि एक लड़की है, और उसे लगता है कि शायद ये उसकी बहन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रॉमिस के मुताबिक एम्परर बैरन को अपनी आर्मी देते हैं। बैरन उस आर्मी को लेकर अराकिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर लीटो और पोल को कुछ दवाइयां देता है ताकि उनको अच्छे से नींद आ सके, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि उसके पास एक मेड घायल पड़ी है, और इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाता एक सुई उसकी शील्ड को तोड़कर उसे बेहोश करने लगती है। और यहाँ उसे समझ में आता है कि ये सारा काम उस डॉक्टर का है और ये अपनी वाइफ को बैरन से छुड़ाने के लिए उनके साथ हो गया है। डॉक्टर लीटो की रिंग निकाल लेता है और उस रिंग को पोल तक पहुँचाने का वादा करता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर उसे एक नकली दांत लगाते हुए कहता है कि इसमें जहर भरा हुआ है। कहता है कि जब वो बैरन से मिले तो इसे पीसकर वो जहरीली हवा से बैरन को मार सकता है। इधर लेटो के आदमियों को बैरन के हमले का पता चल जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो एम्परर की आर्मी के आगे नहीं टिक पाते। डंकन पोल को बचाने के लिए लड़ते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि वो उस जगह नहीं है और वो एक कॉप्टर लेकर वहां से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि पोल और उसकी मदर जेसिका को बैरन के आदमियों ने पकड़ रखा है और वो उन्हें वॉर्म के एरिया में फेंकने जा रहे हैं। यहाँ पर जेसिका डॉक्टर के एक बैग को नोटिस करती है और हम देखते हैं कि कैसे जेसिका अपनी विच पावर को यूज करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेती है। वो उनको आपस में लड़ाकर किसी तरह से नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि बैरन के लोगों ने पूरी सिटी को तबाह कर दिया है। वो रात बिताने के लिए एक जगह आसरा लेते हैं। इधर डॉक्टर बैरन से अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मार डालता है। अब वो लेटो के पास जाता है। लेटो मौके का फायदा उठाकर अपने दांत से वो जहरीली गैस निकालता है जिसके कारण उसके साथ साथ बैरन और उसके आदमी भी मारे जाते हैं। अब कुछ लोग उस रूम से गैस को साफ करने के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि बैरन दीवार के साथ ऊपर चिपका हुआ है और वो अभी भी जिंदा है। इधर रेगिस्तान में पोल को डॉक्टर के बैग से लीटो की रिंग मिलती है और वो समझ जाता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उसको एक और विजन आता है जिसमें वो देखता है कि वो उसी नीली आंख वाली लड़की के साथ मिलकर एम्परर की आर्मी से लड़ रहा है। इस विजन से वो समझ पाता है कि शायद ये फ्यूचर में आने वाली वॉर की निशानी है। अब वो उस जगह से बाहर निकलते हैं जहां पर उन्होंने रात को आसरा लिया था और पाते हैं कि डंकन उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा है। वो उन्हें बताता है कि डॉक्टर के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसकी मदद से मैं तुम तक पहुंच पाया, और बताता है कि काइंस भी अब उनकी मदद करने के लिए एग्री हो गई है। इसके बाद वो काइंस के अड्डे पर आते हैं जो कि एक टेस्टिंग लैब है। वो बताती है कि यहाँ प्लेनेट को रहने लायक बनाने पर काम हो रहा था, लेकिन स्पाइस की खोज के बाद ये लैब बंद हो गई। यहाँ पर पोल कहता है कि वो अपने पिता के कहे अनुसार फ्रेमेंस को ढूंढ कर उन्हें अपने साथ मिलाएगा जिससे कि वो साथ मिलकर एम्परर के खिलाफ लड़ सके। और आगे हम देखते कि एम्परर की आर्मी उन्हें ढूंढ लेती है और पोल के विजन्स के अनुसार डंकन उन्हें बचाते हुए मारा जाता है। वो दोनों काइंस के साथ मिलकर एक सुरंग में जाते हैं और वो उन्हें एक कॉप्टर के पास भेजकर खुद बैरन के आदमियों से लड़ने के लिए चली जाती है। वो एक डिवाइस को धरती में लगाती है जिसकी मदद से वो वॉर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है।
और तभी बैरन के आदमी वहाँ आ जाते हैं। इससे पहले कि वो काइंस को मार पाते, वोम वहाँ आ जाता है। वो काइंस के साथ साथ उन लोगों को भी निगल जाता है। इधर हम देखते हैं कि जेसिका और पोल कॉप्टर की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं। वो उनसे बचने के लिए एक सैंडस्टॉर्म में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कॉप्टर क्रैश हो जाता है। आगे एक सीन में हम बैरन को उपचार कराते हुए देखते हैं। रेबन उसे बताता है कि जेसिका और पोल सैंडस्टॉर्म में मारे गए। बैरन उसे सारे फ्रेमेन को भी मारने का ऑर्डर देता है, ताकि आगे से कोई इनके कार्य में टांग ना अड़ाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसिका और पोल कॉप्टर से मिले स्टील सूट को पहन लेते हैं और डंकन के दिए हुए कंपास की मदद से फ्रेमेन कबीले को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वॉर्म से बचने के लिए वो फ्रेमेन पैटर्न का यूज करते हैं, जिससे कि रेगिस्तान की नेचुरल साउंड आए, लेकिन वो फिर भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से नहीं रोक पाते और वॉर्म उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और इससे पहले कि वो उनको निगलता, वो अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसे थंपर की ध्वनि सुनाई देती है, जो कि एक ध्वनि निकालने की मशीन है, जिससे वाइब्रेशन के साथ साथ साउंड भी निकलता है, जिसे सुनकर वॉर्म वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ फ्रेमेंस ने इन्हें घेर लिया है और उन्हें पता चलता है कि ये स्टीलगर का कबीला है, जो कि डंकन के साथ पोल के पिता से मिलने आया था। ये लोग इनको वॉर्म से बचता देख इनके प्रशंसक हो जाते हैं और इन्हें लगता है कि पोल एक मसीहा है। यहाँ पर पहली बार पोल चेनी से मिलता है और उससे अपने सपने के बारे में कुछ नहीं बताता। स्टीलगर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन स्टीलगर के एक साथी जेमिस को उन पर भरोसा नहीं होता। जेमिस कहता है कि ये उसका थंपर था जिसने उन्हें वॉर्म से बचाया, और कहता है कि अगर सच में ये इतना काबिल है तो इसे ये साबित करना होगा मुझसे लड़कर। पोल उसके साथ लड़ाई करने के लिए एग्री हो जाता है, और तभी उसको फिर से एक विजन आता है, जिसमें उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें अपने अंदर के मसीहा को जगाने के लिए पोल एट्रिडियस को मारना होगा, यानी कि खुद को मारना होगा। तभी चेनी उसके पास आती है और उसे अपना पवित्र क्रिस नाइफ देती है, वैसे ही जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था, और कहती है कि वो उसे मसीहा नहीं मानती, और कहती है कि वो नाइफ सिर्फ उसे इसलिए दे रही है ताकि वो एक योद्धा की मौत मर सके। अब ये दोनों लड़ने लगते हैं और यहाँ पर पोल उसे काबू करके पीछे हटने को कहता है, लेकिन स्टीलगर कहता है कि ये लड़ाई तुम दोनों में से किसी के एक के मरने पर ही खत्म होगी। तभी पोल की मदर जेसिका बोलती है कि पोल निर्दयी नहीं है, और कहती है कि पोल ने इससे पहले कभी भी किसी की जान नहीं ली। पोल समझ जाता है कि वो आवाज उसे बदलने के लिए कह रही थी। इसके बाद वो जेमिस को मार डालता है। इसके बाद वो फ्रेमेन कबीले को अपने इरादे बताता है कि वो किस तरह से तुम्हारे साथ मिलकर एम्परर की आर्मी से लड़ना चाहता है। वो लोग उसकी बात से एग्री होकर अपने कबीले के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर वो एक फ्रेमेन को वॉर्म की सवारी करते हुए देखते हैं, और चेनी उससे कहती है ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।